लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल वेट मैजिक होम। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरात की स्पेशल डिश। मेरा ननिहाल जो है वो गुजरात से है और हमने अपने चाइल्डहुड में और मेरी मदर ने अपने चाइल्डहुड में इस डिश को खाया। आज इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और होप्स हो कि आप भी इसको बहुत इंजॉय करेंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स में हैं राजमा 1/2 kg, क्योंकि ये गुजराती डिश है और इस गुजराती स्पेशल डिश का नाम है राजमा, और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन यूज़ होता है वो चावल, यानी हम आज बनाएंगे गुजराती राजमा चावल। 1/2 kg मैंने राजमा लिए हैं। देन 3 अदद हमने ऑनियन ले लेने हैं और 10 to 12 हमने लहसुन के क्लोव्स ले लेने हैं। 1 tablespoon हल्दी, 1 tablespoon जो है आपने नमक ले लेना है। देन कुटी हुई लाल मिर्च 1 tablespoon हम लेंगे, गरम मसाला 1 tablespoon, अजवाइन 1 pinch, कलवंजी 1 pinch, और जो लाल मिर्च है वो हम लेंगे 3 tablespoon। देन सूखा धनिया 1 tablespoon और ज़ीरा जो है ये 1 teaspoon लेना है। अभी सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर राजमा को डाल देंगे। सबसे पहले हम राजमा इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद जो मेरे पास लहसुन और प्याज है हम उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को इसके अंदर ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको क्यूब शेप में जो एक है उसके 3 पीस कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने ये लहसुन के जो क्लोव्स थे इनको ऐड कर देना है। देन जो ये नमक और मैंने हल्दी रखी थी इसको इसके अंदर ऐड करेंगे, और लास्ट पे हमने इसके अंदर लाल मिर्च जो है उसको ऐड कर देना। लाल मिर्च हमने 3 इसके अंदर जो है भर के टेबलस्पून ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने काले चने और सफ़ेद चनों की तरह इसको रात को भिगो के नहीं रखा। बहुत सारे लोग इसको भिगो के भी रखते हैं। अगर आप इसका बहुत अच्छा फ्लेवर चाहते हैं तो इसको मत भिगोएं, इसको जब आपने रखना है तभी इसको पानी डाल के रखें, क्योंकि इसका बहुत अच्छा इसके अंदर जो है वो टेस्ट ऐड होगा। अब हम इसको बंद करके राउंड अबाउट 1.5 घंटे के लिए जो है ना वो प्रेशर को चलने देंगे। 5 मिनट्स हम इसका लिड जो है वो रिमूव करेंगे, और हमने यहाँ तक पानी डाला था, अब ये कम हो के इतना रह गया है और राजमा को हम देख सकते हैं कि ये गल चुके हैं। अब हम इसको इस तरह नहीं भूनेंगे जैसे हम नॉर्मल भूनते हैं, सबसे पहले हम इसका जो पानी है वो एक बर्तन में निकाल लेंगे। एक बाउल लिया है और उसके अंदर राजमा को स्ट्रेन करने के लिए स्ट्रेनर को रखा है। अब इसके अंदर हम इसका पानी निकाल लेंगे। हमने भूनते वक्त इसका पानी नहीं डालना है इसके अंदर, जब हमने भूनना है तो सिर्फ राजमा हमारे प्रेशर कुकर के अंदर होना चाहिए। ये इस तरह सेपरेट हो जाएगा। आप ये देखिए कि राजमा जो है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, और इधर जो पानी था वो हमने इधर निकाल दिया। अब हम राजमा को अच्छी तरह भूनेंगे। इसके अंदर अब हमने घी को ऐड करना है। अगर आप तरी वाला जो है वो सालन खाते हैं तो आप ज़्यादा घी डाल लें, अगर कम खाते हैं तो फिर कम डाल लें। अब हम इसके घी को डाल के मेल्ट होने देंगे और उसकी देर में हम अदरक जो है उसको साथ क्रश करेंगे। थोड़ी सी अदरक ली है, अब इसको मैं क्रश करके इसके अंदर डाल रही हूँ। ये हम इसको अब अच्छी तरह भूनेंगे और 5 मिनट तक इसको इस तरह भूनते रहेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे, कुटा हुआ ज़ीरा 1 spoon, हमने जो काटा 1 tablespoon वो डाल देंगे, और जो ज़ीरा है वो 1/2 teaspoon भी डाल सकते हैं, 1/2 teaspoon भी आप डाल सकते हैं, ऐसा जिसका कोई नुकसान नहीं है। और कुटी हुई लाल मिर्च ये हमने डाल देनी है 1.5 tablespoon, और उसके बाद जो अजवाइन है वो हमने डालनी है 1 pinch, ये आप अजवाइन देख सकते हैं 1 pinch है मैंने ऐड की है, और जो कलवंजी है वो भी मैंने 1 pinch ऐड कर दी है इसके अंदर, और 1/2 जो टीस्पून है ये मैं चाट मसाले का इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छी तरह भूनना है।
भुनेंगे हम। ये राजमा हमारे अच्छी तरह भुने जा चुके हैं और इसमें अब हमने लास्ट पे जो है ये आप देख सकते हैं 4 to 5 मैंने जो साबुत काली मिर्च होती है वो डाल दी है और एक जो है वो मैं इसमें डालूंगी मोटी इलायची। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रखा है। 1.5 किलो राइस है और इसके अंदर मैं 3 जो है वो टेबलस्पून जो है वो नमक डाल दूंगी और उसके साथ हमने ये दालचीनी जो है दालचीनी डाल दी हमने और एक हमने मोटी इलायची और इसके साथ हमने जो 1 टीस्पून है वो जीरे का डाल देना है। ये हम राइस बॉईल करेंगे इसके साथ। इधर राजमा हमारे हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने पानी निकाला था उसको ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर और पानी डालेंगे क्योंकि इस तरह इसको मिक्स करने के बाद ऑलमोस्ट हमने 45 मिनट्स इसको दोबारा से रखना है। तो ये मैं इसके अंदर और पानी ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको लेट से कवर कर देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अब हमने इसको प्रेशर कुकर नहीं लगाना। जो 45 मिनट्स हमने रखना है वो सिंपल हमने लेट के साथ कवर करके रखना है ताकि जो राजमा है उनका अच्छी तरह से ग्रेवी बन जाए और उसके अंदर उसका टेस्ट एडजस्ट हो जाए। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। हमारे बॉयल हो चुके हैं। हमने इनको स्टेन भी कर लिया है। अब इसको मैं दम पे रख दूंगी 15 मिनट्स के लिए। ये मैंने दस्तरखान के साथ कवर करके इसके ऊपर ये थोड़ा सा वजनी चट्टू रख दिया है और आप इसके बॉटम में भी देख सकते हैं मैंने तवे को रखा हुआ है। इससे ये होगा कि दम भी अच्छा लगेगा और चावल जो है वो बॉटम के साथ चिपकेंगे। अब हम 15 मिनट के बाद इन चावलों को दम से उतार लेंगे। हम राइस को भी देखेंगे और राजमा को भी देखेंगे कि इनको दम लग चुका है और ये पक चुके हैं। सबसे पहले हम राजमा को चेक करेंगे। राजमा हमारे जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। इनका बड़े मज़े की ये देखें ग्रेवी का कलर देखें। अब हम इसकी ऊपर जो है मेथी होती है उसको सूखी मेथी को जो है वो क्रश करके यूं डाल देंगे और सिर्फ आधे सेकंड के लिए इसके ऊपर जो है ना हम लिड दे देंगे ताकि इसके अंदर खुशबू इसकी ऐड हो जाए। दूसरी साइड पे हम राइस को चेक करेंगे। राइस जो है इनको भी दम लग चुका है। ये आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इसके दाने जो हैं ये अलहदा से हैं और इनको दम अच्छी तरह लग चुका है। अब हम दोनों चीज़ों को डिश आउट कर लेंगे। ये हमारी स्पेशल गुजराती राजमा चावल की डिश रेडी है। आप इसके साथ अगर सिंपल दही को यूज़ करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और रेड बीन्स जो हैं वो वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है जो कि एक अहम किरदार अदा करता है हमारे बॉडी को रिपेयर करने में और इसको मेंटेन रखने में। अगर हम हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कैंसर का जो रिस्क है उसको भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ हैं उसको भी कंट्रोल में करता है और हमारे लीवर पर जो फैट आ जाती है यानी जो फैटी लीवर है उसको भी होने से बचाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो रेड बीन्स हैं राजमा हैं इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और आप ना सिर्फ गुजराती स्टाइल में राजमा चावल जो हैं इस तरह पका के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं विद ग्रेवी के साथ बल्कि आप इसका सैलड भी खा सकते हैं। इसको रशियन सैलड में भी यूज़ कर सकते हैं। होप सो कि आपको हमारी ये डिश बहुत पसंद आएगी। आपने इसको बनाना है और फिर हमें फीडबैक देना है। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच एंड लाइक आवर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।